came in, she married her brother. अगर आपको देखना है कि भारत के दुश्मन कैसे दिखते हैं तो इस महिला को एक बार देख लीजिए। यह महिला भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, भारत को गालियां देकर जोर जोर से हंसती है। अफ्रीकी मूल की यह महिला इल्हान उमर है, जो दुर्भाग्य से अमेरिका की सांसद भी है। इल्हान उमर की नौकरी भारत और इसराइल को गाली देकर ही बची हुई है, लेकिन भारत विरोधी इस महिला के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये महिला जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस महिला की असलियत दुनिया को दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर एक बयान देकर भारत का बदला ले लिया है। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि इल्हान उमर भारत के बारे में क्या बोलती है। इल्हान उमर तब चर्चा में आई जब ये चुपचाप पीओके पहुंच गई। पीओके में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती इल्हान उमर को रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस महिला ने पीओके का दौरा करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। वो फोटो वायरल हो गई, जिसके बाद पता चला कि ये पीओके में भी गंदगी फैलाने गई थी। ये महिला यहां तक बयान दे चुकी है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इल्हान उमर वो महिला है जिसने दूसरी शादी अपने सगे भाई से कर ली है। इल्हान उमर अफ्रीकी शरणार्थी थी जो चुनाव जीतकर अमेरिका की संसद तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि इल्हान उमर हमारे देश से भी नफरत करती है। ये महिला ऐसी जगह से आई है जहां पे सरकार तक नहीं है और हमें आकर ज्ञान दे रही है कि देश कैसे चलाना है। चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का धमाकेदार बयान सुनवा देते हैं। Didn't she marry her brother? Right? She came in, she married her brother. This is nice. Think of it. She hates our country. She hates our country. She comes from a place that doesn't even have a government. And then she comes here. She tells us how to run our country.